हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को व्यंजकों को पूर्ण वर्ग में परिवर्तित करके गुणनखंड ज्ञात करना सिखाएंगे। यदि कोई व्यंजक दिया गया है तो उसको पूर्ण वर्ग के रूप में परिवर्तित करके उसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम सिखाएंगे। तो इसमें दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पहला ये होता है कि व्यंजक दिया गया रहता है, उसमें पूछता है कि इसमें क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स। ये प्रश्न में पूछा जाए कि इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसमें करते क्या है, यहाँ जो यक्स का गुणांक होता है, यक्स का गुणांक उसके आधे का वर्ग करके इसमें जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए यक्स का गुणांक यहाँ -8 है। अब इसी के आधा, -8 का आधा हम करेंगे तो -8/2, इसी का स्क्वायर यदि हम जोड़ दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यक्स का गुणांक में उसके आधे का स्क्वायर जोड़ने पर यहां जो व्यंजक दिया गया है उसमें हम करेंगे क्या, यक्स का गुणांक लेंगे फिर उसके आधे का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारा यक्स स्क्वायर हो जाएगा -8x। अब यक्स -8 का आधा -4 होता है। अब इस -4 का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर -8x +16। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। बस यहां पर सवाल में यह दिया जाए कि कितना जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम यही करेंगे कि x का गुणांक लेंगे उसके आधे का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहां पर ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। अब अगर इसका गुणनखंड भी करना हो तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा x -4 का होल स्क्वायर है। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड भी हम कर लेंगे, पूर्ण वर्ग हो जाएगा यह। अब दूसरा सवाल इस टाइप का अगर दिया जाए, 16x² + 25y² दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहा जाए कि कितना जोड़ना पड़ेगा, तो हम करेंगे क्या, इन दोनों का वर्गमूल लेंगे। जब पूर्ण वर्ग हो तो दोनों का वर्गमूल ले लेंगे। तो यहां पर 4x² हो जाएगा और इसको हम 5y² लिख देंगे। अब यहां पर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहां पर हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 गुणे पहले पद का वर्गमूल माने 4x * 5x, दूसरे पद का वर्गमूल, इतना ये जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आइए इसको लिख देते हैं हम, 16x² + 25y² + 2 * 8 = 40। तो ये हो जाएगा 40xy। तो इसमें अगर कहा जाए कितना जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40xy। कैसे आया 40xy, इसका वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्गमूल दोनों के गुणनफल का दुगुना करके हम जोड़ देंगे। अगर कहा जाए कितना घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यहां पर हम इसी को घटा लेंगे। अब ये हमारा पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएगा 4x + 5y² ये इसी का ये गुणनखंड हो गया। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा, फिर इसका वर्ग, धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, 2 * 8 = 40। तो इस तरीके से सवाल चाहे जैसे कहा जाए, अगर कहा जाए कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो हम ऐसे निकाल करके, और यदि दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं तो पहले सवाल की तरह हम उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ेंगे। अब आइए एक ऐसा सवाल बताते हैं कि जिसमें पूर्ण वर्ग बनाकर के उसका गुणनखंड ज्ञात करना होता है।
अब यहाँ हमारा अगला सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, यदि कहा जाए कि इसको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है, तो हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर एक्स का जो गुणांक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, बनाने के लिए। अब यहाँ एक्स का जो गुणांक है माइनस फोर का आधा, इसी का स्क्वायर जोड़ेंगे और उसी को घटाएंगे भी, जोड़ने जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे भी, जोड़ने और घटाने पर, घटाने पर। तो आइए हम इसको जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। तो माइनस फोर का आधा होता है माइनस टू, और माइनस टू का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस फोर। तो इसमें हम प्लस फोर जोड़ देंगे और इतना ही यहाँ पर घटाएंगे भी, यहाँ पर माइनस फोर घटाएंगे भी, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, तब हमारा यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, उसको पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पर ये यह हमारा हो गया, अब यहाँ इसको ले लेंगे, ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, जब यहाँ माइनस रहेगा तो ये माइनस होगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये पाँच चार नौ हो गया माइनस नाइन, तो अब ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और माइनस ये थ्री का स्क्वायर हो गया। अब दोनों वर्गांतर के रूप में आ गए, तो जब वर्गांतर के रूप में आ जाएंगे तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस टू प्लस थ्री ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस टू माइनस थ्री, अर्थात यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन प्लस थ्री माइनस टू, जो प्लस ज्यादा है तो प्लस बचेगा, तीन में से दो घटाएंगे एक बचेगा, तो एक्स प्लस वन और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस फाइव तीन दो पाँच। तो इस तरीके से इसका हमारा गुणनखंड हो गया एक्स प्लस वन एक्स माइनस फाइव। तो आशा करता हूँ कि पूर्ण वर्ग बना करके किसी व्यंजक का गुणनखंड कैसे किया जाएगा, यदि वह व्यंजक द्विघात त्रिपद हो तो समझ में आ गया होगा। इसको हम द्विघात त्रिपद के तरीके से भी हम गुणनखंड कर सकते हैं, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर है माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, तो यहाँ पर माइनस फाइव है, यहाँ ऋण चिन्ह है, माइनस फाइव का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर माइनस फोर आवे, तो ये माइनस फाइव है, ये फाइव है, इसका वन इंटू फाइव कर दें और वन माइनस फाइव करें तो ये हमारा माइनस फोर आ जाएगा। अब इसी को हम स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस फोर एक्स फाइव एक्स फाइव एक्स माइनस फाइव। तो अब ये हमारा हो जाएगा, यहाँ एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस वन बचेगा और माइनस फाइव कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वन यहाँ हमारा बचेगा। अब एक्स प्लस वन कॉमन लेंगे और यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर माइनस फाइव बचेगा। तो इस तरीके से हम बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वी गेट द फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। और यदि हमें ये कहा जाए कि पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कीजिए, तो हम इस तरीके से पूर्ण वर्ग बना करके उसका गुणनखंड करेंगे। यदि गुणनखंड करने के लिए कहा जाए तो हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों तरीके आपकी समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।